Hello everyone, good morning to all of you. And today we will study about numericals on derive the formula. Starting में हमने देखा था कि पहले जो step था हमारा वो था principle of homogeneity के ऊपर मैंने numericals solve करवाए थे. फिर हमारा number आया था दूसरे step पर हमने correctness of physical quantities के ऊपर numericals solve करवाए थे. और अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है अब आता है डेराइव द फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो आज हम दो या तीन न्यूमेरिकल्स ऐसे देखेंगे क्योंकि सारे के सारे एक जैसे न्यूमेरिकल्स से आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कुछ भी नहीं है, 8-9 का मैथ लगा हुआ है यहाँ पे. बस जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. जो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको दिए हैं वही डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप प्लस वन में यूज होंगे, वही याद करना प्लीज. उन्हीं के कंसेप्ट को समझना, उनको रटना बिल्कुल नहीं है, उनको एनालाइज करना, रफ नोटबुक में जाके सोल्व करने की कोशिश करना उनको. तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे. तो देखिए उसी को बोला जाता है डेराइव द फॉर्मूला. तो obtain an expression, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें find out क्या करना है. तो ध्यान से देखना numerical को. obtain an expression यानी हमें find out एक ऐसे expression का करना है. किसके लिए? For surface tension. For surface tension. तो उसको आप ऐसे लिखना S, क्योंकि S से ही represent किया गया है. Of a liquid rising in a capillary tube. अब देखो surface tension क्या होता है, ये लिक्विड से संबंधित एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप 7th यूनिट में पढ़ोगे, आगे प्लस वन के अंदर ही आएगी ये. ठीक है, राइजिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब. एज्यूम दैट एस यानी सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन. बच्चों ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, कि डिपेंड ऑन का मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. डिपेंड ऑन मास, तो उसको आप किस तरीके से लिखोगे? आप इसको इस तरीके से लिखोगे. ये एक लिखने का तरीका होता है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए. S proportion to mass m, pressure p and radius r. आपको हर एक न्यूमेरिकल में तीन फैक्टर मिलेंगे. दो फैक्टर भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दो फैक्टर से निकाल सकते हो. तीन फैक्टर लगभग पॉसिबिलिटी तीन फैक्टर्स की ही होगी. तो सरफेस टेंशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो चीज फाइंड आउट करनी होती है लेफ्ट साइड, और जो जो फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो राइट साइड. और इसको मैं लिखता हूं m रेज टू पावर a, p रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c. ये जो a b c है ना बच्चों, दीज आर द पावर्स ऑफ डायमेंस, और यही हमें फाइंड आउट करनी है इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में. तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल ध्यान से समझना है. सारे न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं नोट्स में डाल दूंगा. अब जरा देखिए इसको प्रोपोर्शन साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, और इसको फर्स्ट इक्वेशन का आप नाम दे सकते हो. अब कुछ भी नहीं करना, पुट ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज एंड कंपैरिजन. देखना S फॉर द सरफेस टेंशन. अब आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने? फोर्स अपॉन लेंथ. तो देखिए आप निकाल सकते हो रफ कॉपी में जाके M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L, L से L कैंसिल. क्या बचा? ये बचेगा आपके पास दैट इज M1 L0 T माइनस 2. कंप्लीट आप लिखोगे क्योंकि कंपैरिजन करना फिर इजी हो जाएगा. आप कंप्लीट लिखना, जहां जीरो हो वहां जीरो लगा के. M इज द मास, और मास का डायमेंशन क्या होता है? M. ठीक है, मैं एक बार पूरा बढ़िया तरीके से इसको सोल्व करवा देता हूं. M L नहीं है, T नहीं है, पावर है. P इज द प्रेशर. अब प्रेशर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से. M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2 कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा?
m1 l minus 1 t minus 2 raised to power b, and r is the radius, and radius is the type of length, that is l, yani m0 l1 t0 ki power c. ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूलास गलत लिख दिए, हल्की सी भी मिस्टेक पूरा न्यूमेरिकल गलत कर देगी. तो बी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से डायमेंशनल फॉर्मूलास आपको पुट करने हैं. अब आपको इसको मॉडिफाई करना है किस तरीके से, ये एज इट इज रखनी है आपको इस स्टेप में, कॉन्स्टेंट नीचे तक साथ चलेगा. अब जरा देखिए m को सॉल्व कर लेते हैं, m रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर a, और पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, यानी m रेज टू पावर a, यहाँ m रेज टू पावर b, और यहाँ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई c से करूंगा तो 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1. देखिए m a m b, और यहाँ m नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये m a और m b बेस सेम पावर एड, यानी a लाइक दिस. ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. m यहाँ कितना है रेज टू पावर a, m यहाँ कितना है रेज टू पावर b, और यहाँ m नहीं है, खत्म. तो क्या बनेगा, m रेज टू पावर a प्लस b. l पे आते हैं, l यहाँ नहीं है, l यहाँ कितना है माइनस b, और यहाँ l कितना है c. t पर आते हैं, t यहाँ नहीं है, यहाँ कितना है माइनस टू b, और यहाँ नहीं है. तीनों ब्रैकेट को मैंने एक मॉडिफाई करके एक सिंगल ब्रैकेट में उसको कन्वर्ट कर दिया. अब हमें करना है कंपैरिजन, जो कि हम मैथ में करे, टेंथ क्लास में भी हमने किया. तो कंपैरिजन कैसे होगा, ये देखिए, मास की मास के साथ कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ पावर्स, ठीक है. तो यहाँ देखिए एम रेज टू पावर ए प्लस बी, और यहाँ एम रेज टू पावर वन, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन. कंपेरिजन ऑफ एल, पावर ऑफ एल, माइनस बी प्लस सी, और यहाँ क्या है जीरो, तो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. थर्ड इक्वेशन, यहाँ टी रेज टू पावर है माइनस टू, यहाँ टी रेज टू पावर है माइनस टू बी, कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू. फोर्थ इक्वेशन, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, मैथमेटिक्स के जरिए फाइंड सोल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आ जाएगा हमारा आंसर. तो चलिए किस तरीके से देखते हैं इसको. सबसे पहले तो वो इक्वेशन सोल्व करनी है जो डायरेक्ट वैल्यूज देती है हमें. ये देखिए, फ्रॉम फोर्थ वी गेट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बी की वैल्यू टू अपॉन में आएगा, तो बी की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है हमें, वन मिल गई. अब b की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे या यहाँ पे, तो हमें a या b की आराम से मिल सकती है c की वैल्यू. तो एज योर चॉइस पुट इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, और इज इक्वल टू क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 1 माइनस 1 0. और थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड बिकम माइनस b, b कितना है बच्चों 1, प्लस सी, प्लस सी एंड इज इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1. हर बच्चा हर न्यूमेरिकल को अपने तरीके से सॉल्व कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सबका सेम आएगा. कैलकुलेशन आप अपने तरीके से इजीली कर सकते हो, जो भी इक्वेशन आप पहले सॉल्व करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू के एम रेज टू पावर ए, कितना है बच्चों ए तो जीरो है, पी कितना है पी रेज टू पावर बी, और बी कितना है वन, और आर आर रेज टू पावर सी की वैल्यू कितनी है वन, तो जिसके ऊपर जीरो होता है वो खत्म हो जाएगा. क्या बचेगा एस इज इक्वल टू के पी आर. ये वो फॉर्मूला बना जो इन रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है. अब साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली सरफेस टेंशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है. तो इस तरीके से आप ये थ्री मार्क्स में हर एक, देखो
टाइप्स आपके बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये वाला जो टाइप है ये बहुत बार आता है पेपर्स में, एक 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल डेराइव द फॉर्मूला के ऊपर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कुछ भी नहीं है, जो आपको फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो जो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा जो गिवन मिलेगा वो आपको राइट हैंड साइड, सबकी पावर ए बी सी इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, पुट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज, सबकी वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले तो क्या करना है कि राइट साइड जो 3 ब्रैकेट होंगे, 3 फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन अलग अलग आपने किया है उन सबको कंपेयर करके मॉडिफाई करके आपको एक सिंगल ब्रैकेट बनानी है। अगर ये हो गया फिर तो आपको पावर्स का कंपैरिजन करना है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पावर का आपको कंपैरिजन करवा के 3 इक्वेशन बनेगी। उन 3 इक्वेशंस को आप अपने मेथड से, आप अपने किसी भी मेथड से मैथमेटिक्स लगा के आप एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और वो एबीसी की वैल्यू आप मेन इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये। चलिए एक दूसरा देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं किस तरीके से है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है मेथड है या एज इट इज ऐसे ही चलेंगे सारे के सारे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला सारे एक जैसे हैं, जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग आती जाएंगी और उस हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला भी अलग अलग आएगा। तो सेकंड बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोला सेकंड एग्जांपल है हमारा कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है एल। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर वो L को लीनियर बोल रहे हैं ना तो आपको L को ही लेना पड़ेगा। वैसे तो लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर जिस न्यूमेरिकल में ब्रैकेट में उसका सिंबल ना दे रखा हो तब तो वो ही लेना है जो ओरिजिनल हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अगर वो फोर्स को T से रिप्रेजेंट करता है ना तो हमें फोर्स को T से ही लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं दे रखा हो तो आप फोर्स को F से ही रिप्रेजेंट करोगे। तो वो कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स के ऊपर। तो पहला फैक्टर इन्होंने दे रखा है सरफेस टेंशन का इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डेंसिटी। ठीक है, एक तो वेलोसिटी है, एक डेंसिटी है, और तीसरा फैक्टर जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत है, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है ना बनाने का तरीका वो लगभग लगभग एक जैसा है, तो कई बच्चे कंफ्यूजन हो सकता है उनके माइंड में कि वेलोसिटी तो बेटा ऐसे बनती है लेकिन डेंसिटी थोड़ी सी, या फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से थोड़ा सा सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्लीज 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 कंफ्यूज मत होना, ए बी सी दैट्स ऑल, सॉल्व इट सेम तरीका। व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम? अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या बनेगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, प्रोपोर्शनल साइन के लगता है। व्हाट इज वेलोसिटी की पावर ए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो ये बनेगा। ये मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, आपको याद नहीं है तो पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए डायमेंशनल फॉर्मूलाज की। एंड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टी माइनस वन। अब मैंने डायरेक्ट किया है, आप डायरेक्ट ही करना, वो पहला इसलिए करवाया था ताकि स्टार्टिंग थी आपको इजीली समझ में आ सके। दूसरा स्टेप हमारा आपको मालूम है, इन तीनों डायमेंशनल फॉर्मूलाज को एक डायमेंशनल फॉर्मूलाज में मॉडिफाई करना है आपको, या एम नहीं है, या एम की पावर कितनी है, बी, या एम नहीं, खत्म, बी। फिर आता है एल, एल कितना है यहाँ पे, ए, या एल कितना है, माइनस थ्री बी, या नहीं है, टी माइनस ए, या नहीं है, या कितना है, माइनस सी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, कंपेयर द पावर्स ऑफ गिवन डायमेंशंस, m की पावर b, m की पावर a, तो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई, l रेज टू पावर a माइनस b, l रेज टू पावर 1, तो a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, दैट इज थर्ड इक्वेशन।
इक्वेशन कुछ भी नहीं करना बच्चों, b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल चुकी है, b की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना, क्या आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो a माइनस थ्री, b की वैल्यू रखी मैंने इस वाली इक्वेशन में, a ये रहा माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू वन, सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, ए इज इक्वल टू फोर, ठीक है। और ए की वैल्यू आप उठा के जब यहाँ पे रख दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर, माइनस सी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार कि बच्चों आप कोई सा भी मेथड लगा के आप किसी भी तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, हमें जस्ट आंसर चाहिए और वो ठीक आएंगे हर एक मेथड से। मेन इक्वेशन ये रही हमारी p इज इक्वल टू के वी रेस्ट टू पावर a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फोर। डेंसिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b b क्या है हमारा वन वन, एंड डेंसिटी पावर c, c की वैल्यू है माइनस थ्री। अब आप कहोगे आंसर आ गया, लेकिन मैं कहूंगा कि हमें एक स्टेप और करना चाहिए इसमें, मॉडिफाई इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, जहां भी अगर फाइनल रिजल्ट में माइनस की पावर आ जाती है ना, आप उसको मॉडिफाई कीजिए ना, आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, उसको पॉजिटिव बना दो, के वी रेज टू पावर फोर डेंसिटी, ये न्यू रेज टू पावर माइनस थ्री है, ये अपॉन में चला जाएगा, क्या बन जाएगा थ्री, ये आपका आंसर, ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। अब चलिए मैं एक और करवाता हूं आपको, सॉरी थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ रहा है, थोड़ी सी हल्की हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास यहाँ पे, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं ले रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप रफ कॉपी में जाके सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके का है कि द वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, ये क्या है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी किसी भी टाइप की हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये मैं पहले ही बता दूं, एस्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, किसी भी तरीके की वेलोसिटी हो, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी हो, हर एक वेलोसिटी, ऑल द वेलोसिटी आर द टाइप ऑफ इज सिंगल वेलोसिटी, सो डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज लेंथ टेंशन, लेंथ के ऊपर, टेंशन के ऊपर, और थर्ड फैक्टर इन्होंने जो दे रखा है दैट इज मास, एम। अब वैसे क्या बोला गया इन्होंने, इन्होंने बोला है लेंथ टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, यानी m को क्या बोला गया है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास को m पर यूनिट लेंथ ये बोला गया है। तो जो बोले वो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, कई बच्चे मास दे के m रख के आ जाते हैं सॉल्व करके, वो पूरी तरह से गलत होता है। a b c हमेशा की तरह हमें वही स्टेप अपनाने हैं, कोई अलग नहीं, ठीक है बच्चों। v इज द वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल इज द लेंथ एल, टी इज द टेंशन, बेटा टेंशन है ना, टेंशन लगती है थ्रेड के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, धागे के अंदर, और टेंशन इज द टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन इज द टाइप ऑफ फोर्स, m1 l1 t माइनस टू रेज टू पावर b, एंड m, m इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो जाएगा मास का m
और लेंथ का एल एल डी माइनस वन, एम एल माइनस वन की पावर से। ये स्टेप आया समझ में आपके? तो मास पर यूनिट लेंथ गिवन था, तो अपॉन लेंथ ऊपर जाके एल माइनस वन बन जाएगा। सेम वही रूल हम अपनाएंगे यहाँ पे, या एम नहीं है, या एम की पावर कितनी है बी, या एम की पावर कितनी है सी, प्लस सी हो गया। एल या कितना है ए, या कितना है बी, या कितना है माइनस सी, माइनस सी। टी या नहीं है, या कितना है माइनस टू बी। कंपेयर द पावर्स, एम या नहीं है, यानी एम यहाँ क्या है जीरो है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ एल कितना है वन वन, वहां टी कितना है माइनस टू बी, और यहाँ टी कितना है माइनस वन। तो मैंने बोला जो पहले वो इक्वेशन सोल्व करना सीखिए जो डायरेक्ट, जहां से हम जल्दी सोल्व करके वैल्यू निकाल सके। तो यहां से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं वन बाई टू, ठीक है। और बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो हमें सी की वैल्यू मिल सकती है, पुटिंग सेकेंड वन बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू देखो माइनस वन बाई टू आ गया, बहुत ईजी है। अब अगर मैं सेकेंड थर्ड इक्वेशन में बी की वैल्यू वन बाई टू, सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम ए प्लस बी वन बाई टू माइनस सी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन। तो यहां पे देखिए बच्चों, वन बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वन, और हाफ प्लस हाफ वन, और वन उधर जाके क्या बन जाएगा जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों जीरो, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई जीरो। अगला स्टेप आपको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द मेन इक्वेशन, देयरफॉर वी इज इक्वल टू के एल, एल रेज टू पावर ए, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों जीरो। टी रेज टू पावर बी, टी रेज टू पावर बी वट of, and what is the value of m c, what is c, minus 1 by 2। अगला स्टेप आपको मालूम है, मैंने बताया था जहां पावर माइनस आ जाए वहां पे आप उसको नीचे ले जा सकते हो, कि l या नहीं है खत्म कर दीजिए, t 1 by 2 और m 1 by 2। इस स्टेप को मैं एक और ज्यादा मॉडिफाई कर सकता हूं। आपको मालूम है कि 1 by 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। आई होप क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे इजी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपकी तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। पहला टाइप था होमोजेनिटी के ऊपर, दूसरा टाइप आया करेक्टनेस के ऊपर, थर्ड टाइप आया है डेराइव द फॉर्मूला, फोर्थ टाइप आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा कन्वर्जन वाला, ठीक है। फिर एरर के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट यूनिट में आपके न्यूमेरिकल्स के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। न्यूमेरिकल्स सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूलाज कुछ एक लिमिटेड कर लीजिए, जो प्लस वन में यूज होने वाले बहुत ही इजीली, जो आप नाइन्थ से रिलेटेड हैं वो यूज कीजिए, क्योंकि आपके हर एक न्यूमेरिकल्स में उससे ज्यादा लेवल का नहीं आने वाला, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।